व्हाट इज एलईडी, व्हाट इज आईएसआई मार्क, ये आपके क्वेश्चन यहां से बनेंगे। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग। अब बल्ब के अंदर से जो लाइट है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कि जो उसका जो फिलामेंट है उसके अंदर जो छोटी सी वायर लगी हुई है वो इतने अमाउंट तक हीट हो जाता है, इतने हाई टेम्परेचर तक हीट हो जाता है कि वो लाइट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, बट लाइट के साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। इफ ए लार्ज करंट पास थ्रू ए वायर, द वायर मे बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन ब्रोकन और मेल्ट। कि अगर ज्यादा अमाउंट में वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो वो बहुत ज्यादा गर्म होके मेल्ट भी हो सकता है या फिर टूट सकता है। बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट और ब्रेक? यस, अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा हम करंट पास कर दें तो जो एक वायर होती है वो मेल्ट होके ब्रेक भी हो सकती है। लेट अस चेक इट आउट एक्टिविटी। मेक ए सर्किट We use for activity 14.3. बिल्कुल वैसे ही सर्किट हम बनाएंगे जैसे 14.3 में हमने बनाया था। However, replace the cell with the battery of 4 cell. अब उसमें हमने एक सेल लिया था, यहाँ पे बैटरी रिप्लेस कर दे। Also, in place the nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. Steel wool is commonly used in cleaning utensils and is available in grocery shop. Grocery shop पे मिल जाता है जो steel wool है। If there are any fans in a room, switch them off. फैन को हम बंद कर देंगे। Now pass the current through the circuit for some time. जो सर्किट था उसके थ्रू हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt or break? जो हमने वो स्टील वूल ली हुई है उसके थ्रू जैसे ही करंट जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक हो जाएगी। The wire made from some special material melt quickly and break when large electric current is passed through them. तो हम एक ऐसी वायर कुछ स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा करंट उसके थ्रू पास होता है तो मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है। These wire are used for making electric fuse. देखिए 14.4 डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें घरों के अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है। तो इस फ्यूज के अंदर जो वायर यूज करते हैं वो एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई होती है। उसका पर्पस क्या होता है, अगर बाय चांस करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया है तो जैसे उसके थ्रू वो करंट जाएगा तो मेल्ट होकर टूट जाएगी और उससे नेक्स्ट जो भी अप्लायंसेज लगे हुए हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक जो फ्यूज की वायर है वो अलग मटेरियल से बनाई जाती है। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है सभी में फ्यूज को इंसर्ट किया जाता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट द वायर मे बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर। तो जितने भी हमारे सर्किट है उनके अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, सेफ लिमिट, कि अगर इस लिमिट तक करंट आता है तो वो अच्छे से वर्क करेंगे। अगर बाय चांस वहां से करंट ज्यादा आ जाता है तो वो ओवरहीट होके बर्न भी हो सकती है, आग भी लग सकती है। इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अगर उसी सर्किट में हमने फ्यूज लगा रखा है, क्योंकि फ्यूज के अंदर हमने एक अलग स्पेशल वायर लगाई हुई है, वो स्पेशल वायर क्या करेगी, वो खुद ही ब्रेक हो जाएगी, तो सारा का सारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो जितने हमारे घर के अंदर अप्लायंसेज होंगे वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो बेटा ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। अगर दो वायर आपस में टच हो जाती है तब भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट सर्किट के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दिस मे हैपन इफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर। जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की जो वो कोटिंग होती है उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाए वियर और टीयर की वजह से तो जो वायर है अंदर से मेटल की वायर आपस में टच हो जाएंगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिस मे कॉज अ शॉर्ट सर्किट। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी
डिवाइस टू ए सिंगल सॉकेट, एक ही सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे डिवाइस अगर लगा दें तो अभी भी क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां से करंट फ्लो हो सकता है, दिस मे कॉज ओवरलोड इन अ सर्किट। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आपके बन गए हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो सिंपल सा है भाई, शॉर्ट सर्किट होता है जब दो वायर डायरेक्टली आपस में टच हो जाएं, दैट इज शॉर्ट सर्किट। और अगर एक ही सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे डिवाइस लगा देते हैं और ज्यादा अमाउंट में से करंट पास होता है, उसको हम कहते हैं ओवरलोड। क्या कहेंगे उसको? ओवरलोड। यू माइट हैव रीड रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर अबाउट फायर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो बार बार कहीं पे आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में, तो कहते हैं जी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, ओवरलोड की वजह से आग लग गई है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहां पे आपस में वायर टच हुई होंगी, उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ओवरलोड में कहते हैं कि वायर की जो लिमिट है उसकी, उससे ज्यादा करंट उसके थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाता है, हम ज्यादा अप्लायंसेज वहां पे लगा देते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देते हैं जो ज्यादा ज्यादा करंट वहां से ड्रॉ करते हैं। अब एक वायर की लिमिट से अगर ज्यादा करंट वहां से हम पास कराएंगे तो ओवरलोड की वजह से वो हीट होके मेल्ट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे ओवरलोड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। अब व्हाट इज फ्यूज, व्हाट इज ए फ्यूज, उसकी डेफिनेशन आप यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं जो अभी हम रीड करेंगे। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, अ फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर। तो ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? हेलो, प्लीज प्लीज स्पीक अगेन सर। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग तरह के फ्यूज हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। फिगर 14.4 शोज फ्यूज यूज्ड इन आवर हाउसेस, तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। 14 में जो दिया हुआ थे तो वो क्या थे कि वो जो फ्यूज हम यूज करते हैं। फ्यूज शोन इन 14.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। चलिए मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, 14.4 पे जो है वो हम घरों के अंदर यूज करते हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 14.15 में, एक जैसे घर के इन्वर्टर हैं या कुछ एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये उसके अंदर यूज होते हैं। तो ये दो टाइप के आपके फ्यूज हुए। चलिए नेक्स्ट टाइप का फ्यूज भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो अभी हम चलते हैं ब्लू बॉक्स में। देखिए ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है आपका एमसीबी, क्या है एमसीबी। अब ये जो आजकल ज्यादातर हम यूज करते हैं घरों के अंदर, वो एमसीबी यूज करते हैं। स्कूल की बिल्डिंग में भी एमसीबी यूज होती है, जितनी भी आप बिल्डिंग देखेंगे ज्यादातर एमसीबी यूज होती है, जो डायग्राम में दिखा रखा है, इस तरह का डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले तो कहेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, द फुल फॉर्म इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबीज आर इंक्रीजिंगली बींग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूजेज। फ्यूज की जगह पे हम एमसीबी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑफ कर देता है, स्विच को ऑफ कर देता है, आगे करंट को नहीं जाने देता। फ्यूज में क्या होता है कि फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है, फिर जब हम सर्किट को ठीक कर देते दोबारा से हमें वो वायर लगानी पड़ती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब हमारे जो फॉल्ट था वो ठीक हो जाए, फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से ऑन कर सकते हैं। तो दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। अगर एक सेफ लिमिट से ज्यादा करंट सर्किट के थ्रू पास होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। सर्किट को ठीक करके दोबारा से हम इसको ऑन कर सकते हैं। लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCB also। अगर हम MCB भी लेते हैं तो उस पर भी हमें क्या देखना है, ISI मार्क देखना है, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारे टॉपिक थे। दोबारा से एक बार मैं इसको क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हमने किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे ही किसी अप्लायंसेज के थ्रू या वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और उसमें से हीट प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आया था हमारे पास एलिमेंट,
कि जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं, हीटर है, वो प्रेस है आयरन वाली, इमर्सन रोड है, गीजर है, उनके अंदर एक कोयल यूज हम करते हैं, उस कोयल के अंदर जो वायर यूज होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एलिमेंट। आफ्टर दैट CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। देन ISI मार्क। ISI मार्क क्या था, न्यू दिल्ली के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी अप्लायंसेज है उनको पहले टेस्ट करती है, फिर उस पर एक मार्क लगाती है ISI। और ISI मार्क का मीनिंग होता है कि जो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है ये प्रोडक्ट ऐसा ही वर्क करेगा, उसकी एश्योरिटी होती है ISI मार्क से। नेक्स्ट हमने पढ़ा है फ्यूज। अ फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर उसके थ्रू करंट क्या है स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा आ जाए तो एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है फ्यूज हमारा। फ्यूज के ही अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज हमने पढ़े हैं, उसी के अंदर आया हमारा MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी काम फ्यूज वाला करता है, लेकिन होता एक तरह से स्विच है कि अगर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट आ जाएगा तो ये मेल्ट नहीं करेगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो इसका जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे हम सर्किट को ठीक कर देंगे, स्विच को ऑन कर दें, तो फिर से सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेन टॉपिक हमने डिस्कस किए। इसी के साथ साथ बेटा दो टॉपिक और हमने डिस्कस किए थे, कौन सा था, शॉर्ट सर्किट। क्या था शॉर्ट सर्किट, कि अगर इलेक्ट्रिकल वायर की जब करंट पास होता है दो वायर आपस में टच हो जाएं तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ओवरलोड। क्या पढ़ा बेटा, ओवरलोड। ओवरलोड क्या था, कि अगर एक ही सॉकेट के थ्रू हम कई सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो उस वायर के थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और वो हीट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोड। तो ये टॉपिक है बेटा जो आज के लेक्चर में हमने लर्न किए हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में लिखना है और लर्न करना है। और उसके साथ साथ जो आपने पेज जो रीड करने हैं, पेज नंबर 163, 164, 165, 166 एंड 167, ये पेजेस आपने रीड करने हैं। एनी क्वेश्चन बेटा? यस राजन सर। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने जो जो लाइन मार्क्स करवाई है सिर्फ हमें वही लिखनी है बेटा? देखो आप रीड पूरा चैप्टर करेंगे जो मैंने पेज नंबर बताए हैं, और यस सर टॉपिक जो मैंने कवर किए हैं वो टॉपिक आपने लिखने हैं। मैं टॉपिक्स फिर से मैं बता देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एलिमेंट, CFL, LED, ISI मार्क। अब बेटा नोटबुक और पेन भी साथ में रखें। देन फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसके बाद MCB, देन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। ओके सर। ये टोटल 9 टॉपिक है जो आज हमने कवर किए हैं, और साथ के साथ इनकी डेफिनेशंस भी आपको बताई हैं। यस सर। यस सर। थैंक यू। हाँ बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज एक्सप्लेन अगेन MCB। MCB होता बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आपको आप देख पा रहे हैं, घरों के अंदर भी हम यही यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर सर्किट के थ्रू करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाए ना तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है और घर के अंदर सारे अप्लायंसेस जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ये क्या करता है, मेन जो सप्लाई है उसको कट कर देता है, जो हमारे मीटर से मेन सप्लाई आती है ना ये उसको रोक देता है, स्विच ऑफ कर देता है। तो जो काम फ्यूज का था ये वही काम करता है, लेकिन फ्यूज में क्या थी, वायर जो थी मेल्ट हो जाती थी, इसमें मेल्ट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देता है। यस ओके सर। सर थैंक यू।
यस स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन बेटा? हेलो, यस यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वो फ्यूज की डेफिनेशन दोबारा बताना। यस फ्यूज, तो बेटा नोट डाउन कीजिए, अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which prevents damages, yes, to sir, electrical circuits, which prevents damages to electrical circuits. Okay sir, thank you sir. Okay beta. Yes students, we are having last 3 minutes. Koi aur question ho beta kisi ka? यस राजन सर, राजन सर, हेलो, यस सर, ये जो सर्किट डायग्राम है ये भी ड्रॉ करना है, इसमें जो ऑन सर्किट है और ऑफ सर्किट है? बेटा ये कल के टॉपिक में हमने किए थे, टाइप ऑफ सर्किट में, ठीक है, एक ओपन सर्किट के लिए, एक क्लोज सर्किट के लिए, दोनों ही आपने ड्रॉ करने हैं। ओके सर, बेटा नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?